नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई इंडिया से रिलेटेड। जी हाँ साथियों, बहुत सारी कंट्रीज के लोग इंडिया आ रहे हैं, इंडिया से वापस जा रहे हैं। जो लोग इंडिया आ रहे हैं उनके लिए खास तौर से बात करूंगा कोरोना अपडेट यानी क्वारंटाइन की। जी हाँ, हालांकि क्वारंटाइन वर्ड अब पुराना हो चुका है, लोग नहीं तो कभी मेरे पास कोई क्वेश्चन आता है, नहीं कुछ मतलब कोई रिप्लाई वगैरह ऐसा कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि सब लोगों को आदत पड़ चुकी है, पता ही है लगभग। लेकिन बता दूं, सरकार ने अपने अपने सरकार जो राज्यों की सरकार है उन्होंने अपने अपने स्तर पर क्वारंटाइन से रिलेटेड कुछ बदलाव किए हैं। यानी मैं मानूँ तो क्या एक तरह से क्वारंटाइन मतलब बंद ही हो चुका है एक तरह से, ये समझ लीजिए। लेकिन ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि भाई अगर आप इंडिया आ रहे हैं किसी भी स्टेट में तो कितने स्टेटों ने क्वारंटाइन खत्म कर दिया, उनकी क्या कंडीशन है, कितने स्टेटों में अभी भी क्वारंटाइन चल रहा है, पेड है, पैसा लगेगा, फ्री में है, पूरी डिटेल से हम बात करेंगे। और आप सीधा घर कैसे जा सकते हैं, हालांकि लोगों को पता है लेकिन फिर भी ये नया अपडेट है कल की डेट में, तो मुझे बताना जरूरी है ताकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता उनको पता लग जाए। तो हम लगभग 12-13 कंट्री स्टेटों की बात करेंगे, लगभग इंडिया में 12-13-14 स्टेट हैं और लगभग इतने स्टेटों के लोग विदेशों में रहते हैं। अब ऑल ओवर कंट्री की हम बात कर लेंगे जो लोग इंडिया आना चाह रहे हैं। तो बता दूं मैं सबसे पहले कोरोना केरल की बात कर लेते हैं साथियों। आपको पता है इंडिया में भाई कोरोना एकदम परमाणु बम की तरह फटता जा रहा है। एक दिन में मैं सोच रहा हूँ ऐसा कौन सा दिन आए जिससे 1,00,000 प्लस हो जाए। 94,000 तक तो पहुँच गया आंकड़ा कि एक दिन में 94,000 केस एक दिन में इंडिया में। मैं सोच रहा हूँ कि 1,00,000 कब हो जाए, पता नहीं कब हो जाए भाई, आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है। लेकिन उम्मीद हम तो ये करें ऊपर वाले से कि नहीं हो तो अच्छा है, लोग अब सावधानी बरतें। राज्य सरकारों ने स्टेट लेवल पर क्या क्वारंटाइन से रिलेटेड कुछ बताया, मैं बता दूँ। हालांकि आपको पता है कि सबसे पहले तो बेस्ट ऑप्शन तो क्या है कि आप किसी भी कंट्री से आ रहे हैं, आप कोविड टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट साथ लेके आओ, आपके लिए बहुत सोने पे सुहागा रहेगा, बहुत आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि भाई अगर आप टेस्ट रिपोर्ट, हालांकि ज़्यादा पैसा नहीं लगता यार, थोड़ा बहुत पैसा लग जाता है, आप यहाँ होटल में रुकते हो, आप फ्री में भी रुकते हो तो भी वो सस्ता पड़ेगा। 7-8 दिन आपके खराब हो जाते हैं, यहाँ आने के बाद पता चला कोविड-19 पहले नहीं था लेकिन फिर पॉजिटिव हो गया, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉब्लम आती है। तो आप वहीं से जिस किसी भी कंट्री से हो 96 आवर्स पहले का अपनी जेब में डाल के आप अपने साथ में लेके आइए, कहीं एयरपोर्ट पे दिखा दीजिए, ऑनलाइन पहले से आप अपलोड कर सकते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी की जो वेबसाइट है उस पे, ताकि आपको घर जाने दिया जाए। इसके अलावा केरल ने कोविड-19 में छूट दी है। जी हाँ साथियों, छूट किसके लिए दी है, उसमें आपको कुछ भी करवाने की जरूरत नहीं है। जो जैसे मान लीजिए आप किसी भी कंट्री से केरल आ रहे हैं, एग्जाम्पल शॉर्ट तरीके से समझ लीजिए, और आपको 7 दिन केरल में रुकना है तो आपको कोविड टेस्ट उनको रिपोर्ट दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्वारंटाइन होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी देश से आप आ सकते हैं। लेकिन वो कौन लोग होंगे, जो व्यापारिक होंगे, जो व्यापार से संबंधित केरल राज्य में स्टेट में आ रहे हैं, वापस उनको 7 दिन में निकल जाना अपनी कंट्री के लिए, या केरल आपको छोड़ देना है, चाहे आप राजस्थान आओ चाहे कोई भी आओ, ठीक है। या व्यापारी हो सकता है, चिकित्सा है सकता है, अदालती मामलों में मान लीजिए आपका कोई अदालत से संबंधित कोर्ट केस से संबंधित मामला है, आपको विदेश से आना है, वहाँ पे हाजिरी भर के वापस आपको निकल जाना है, तो आपको ये क्वारंटाइन वाला चक्कर नहीं रहेगा, आपको इसके लिए छूट मिल जाएगी। 7 दिन तक आप केरल में रह सकते हैं बिना कोई टेस्ट के, बिना कोई मतलब सब कुछ आपका फ्री रहेगा बिना कोई टेस्ट का, ठीक है। कर्नाटक की बात कर लें तो कर्नाटक ने भी जो यात्री हैं व्यापार से संबंधित कर्नाटक में आना चाहते हैं उनको 48 घंटे तक वो रह सकते हैं। 48 घंटे का मतलब दो दिन और दो रात आप बिना कोविड टेस्ट की रिपोर्ट दिए, बिना कोविड टेस्ट करवाए, बिना आपको 7 दिन के क्वारंटाइन आप 48 घंटे तक रुक सकते हैं। अगर आप ज़्यादा रुकते हैं 7 दिन के लिए तो आपको कोविड टेस्ट फिर करवाना होगा, उसकी रिपोर्ट आपको सबमिट करनी पड़ेगी, आपको कोविड टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद आप कर्नाटक छोड़ सकते हैं, तो ये भी आपके लिए बेस्ट न्यूज़। बंगाल और तमिलनाडु भाई ऐसे स्टेट हैं कि वहाँ तो आपको रिपोर्ट चाहिए ही चाहिए, वहाँ पर कोई कानून नहीं है, वहाँ पर आपके पास कोविड टेस्ट की रिपोर्ट होनी चाहिए, कोविड टेस्ट नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दिया है, वो रिपोर्ट दिखाओगे तो ही आपको वहाँ पे सीधा घर भेजा जाएगा, बाकी ये कोई छूट वगैरह का चक्कर वहाँ पे बंगाल और तमिलनाडु में नहीं किया गया। आगे बात कर लेते हैं तेलंगाना। तेलंगाना में भी 4 दिन तक आप रह सकते हो बिना कोई कोविड टेस्ट की रिपोर्ट दिखाए और टेस्ट करवाए, 4 दिन तक की छूट है, यानी समझ गए आपको 4 दिन के बाद अगर आप रहते हो तो। तेलंगाना के लिए अगर आप जा रहे हैं दूसरी कंट्री से भी आ रहे हैं तो 4 दिन तक आप रह सकते हैं बिना कोई टेस्ट रिपोर्ट दिखाए। जी हाँ, आगे बात कर लेते हैं यूपी ने भी भैया छूट दे दी है 7 दिन तक। जी हाँ साथियों, कोविड टेस्ट की रिपोर्ट की जरूरत नहीं है, आपको ये आपको शो करना पड़ेगा कि हम 7 दिन यूपी में रहेंगे, 7वें दिन हम वापस निकल जाएंगे यूपी से,
तो आप बिना कोई कोविड टेस्ट किए विदेश से यूपी आ सकते हैं, 7 दिन के लिए आपको छूट मिल जाएगी। जी एमपी की बात कर लें, कोविड 19 रिपोर्ट टेस्ट में छूट बिल्कुल, जी हाँ, जो बिजनेसमैन है उनके लिए छूट है, कॉर्पोरेट यात्रियों को छूट है, लेकिन 4 दिन में साबित करना होगा कि 7 दिन में एमपी छोड़ देंगे, समझ गए आपको, यानी 7 दिन में आपको ये 4 दिन की आपको छूट मिलेगी, 4 दिन में साबित करना होगा कि आप 7 दिन में एमपी छोड़ देंगे, 7 दिन तक आप रहते हैं तो आपको बिल्कुल छूट है। छूट किसको है, जो बिजनेसमैन है, जो कॉर्पोरेट है उनको छूट है, बाकी छूट नहीं है भाई। जेएंडके में भी यही है, कोविड 19 टेस्ट बिल्कुल छूट है, 7 दिन तक आप रह सकते हैं जेएंडके में किसी भी विदेश से आने के बाद। उत्तराखंड में भी बिल्कुल छूट है, उत्तराखंड में भी 7 दिन की छूट है, बिना कोई कोविड टेस्ट किए आप रह सकते हैं। त्रिपुरा में भी छूट है, 72 घंटे के लिए आप त्रिपुरा में रह सकते हैं, उसके बाद त्रिपुरा आपको छोड़ना पड़ेगा, स्वनिगरानी की स्थिति में, स्वनिगरानी की सलाह आपको देनी पड़ेगी, भाई मेरी सुरक्षा मैं खुद करूंगा, आप ये एक फॉर्म भरना पड़ेगा। 72 घंटे तक आप त्रिपुरा में रह सकते हैं विदेश से आने वाले यात्री। नागालैंड में प्रवेश नहीं है, बता दूं, उच्च स्तर पर आपको सूचना देनी पड़ेगी, राज्य स्तर की मैं बात करूं 48 घंटे तक आप रह सकते हैं, जी हां, लेकिन आपको क्लियरेंस लेने के बाद प्रवेश कर सकते हैं। जी नागालैंड में समझ गए, 48 घंटे रह सकते हैं, लेकिन क्लियरेंस फॉर्म पर एक सिग्नेचर होता है, उससे एक स्वीकृति एक मान सकते हैं, वो लेने के बाद आप 48 घंटे नागालैंड में रुक सकते हैं। 48 घंटे के बाद अगर आप रुकते हैं तो कोविड टेस्ट करवाना वगैरह वगैरह वो प्रोसेस हो जाता है। अब भाई ये लगभग 15 स्टेट मैंने आपको बता दिए, अभी कुछ स्टेट ऐसे हैं वहाँ पे कोई जो पहले वाला जो ड्रेपे जो सिस्टम चल रहा है, ड्रेपे क्या है कि या तो आप सीधे विदेश से आइए, 7 दिन आपको क्वारंटाइन रखा जाएगा इन राज्यों में, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ, जिसमें राजस्थान है यहाँ पे कोई छूट नहीं मिलेगी, पंजाब है, बिहार है, हिमाचल, दिल्ली, हरियाणा, जी हाँ, इन सब में पहले जैसा ही सेम है भैया, 7 दिन को आपको क्वारंटाइन रहना पड़ेगा, 7 दिन में आपकी जांच होगी, कोविड टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट लेके आप घर जा सकते हैं, इन स्टेटों में बता दिया। बाकी आपके पास ऑप्शन ये है कि किसी भी आप कंट्री से आ रहे हैं तो बेस्ट ऑप्शन ये है, कोविड टेस्ट रिपोर्ट लेके साथ में आइए, एयरपोर्ट पे दिखाइए, सीधा घर पहुंच जाइए। और एक आंकड़े के मुताबिक ये निकल के आया कि लगभग 80% लोग नेगेटिव रिपोर्ट कोविड टेस्ट की 96 आवर्स पहले की साथ में लेके आ रहे हैं। जो भी जितनी भी कंट्रीज के लोग विदेश में इंडिया में आ रहे हैं, विदेशी लोग हैं, आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं उनमें से मैं बात कर रहा हूं, वो लोग कोविड टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट साथ में लेके आ रहे हैं, या तो वो एयरपोर्ट पे जो साइड है उस पर आप अपलोड कर देते हैं, या फिर अपने साथ में लेके आते हैं। एयरपोर्ट पे आपको चेक करनी होती है भाई, ठीक है, 96 आवर्स पहले की है, उस रिपोर्ट से जैसे आप दुबई में क्रॉस करते हैं वैसे एयरपोर्ट क्रॉस करके आप अपने घर आ सकते हैं। तो बेस्ट फॉर्मूला यही है, मैं तो ये बोलूंगा, रिपोर्ट साथ में लेके आइए, बस ये जानकारी देनी थी। साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो कर लें। मिलते हैं किसी अच्छे वीडियो अच्छी जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।